तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक बडी में। क्या दोस्तों आपको कभी व्हाट्सएप के लंबे लंबे मैसेज पढ़ने में आलस आती है या वेबसाइट पे कोई आर्टिकल या न्यूज़ पढ़ने में बोरियत फील होती है? तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लेकर आया हूँ जो आपका ये काम एकदम आसान कर देंगी। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है टेक्स्ट टू साउंड, शॉर्ट में T2S। आपको प्ले स्टोर में जाकर सिंपली सर्च करना है T2S। तो जो ये पहले नंबर पे हरे रंग का आइकॉन वाला ऐप आपको दिखाई दे रहा है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप को खोल लेना है। तो ऐप को खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको जो ऊपर जो मेनू बार दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे जो सेटिंग्स का ऑप्शन है उस पर जाना है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है सर्च इंजन, उसमें आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे सिलेक्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे एक ऑप्शन है कॉपी टू स्पीक, उसमें जाकर उसे ऑन कर लेना है। अब आपको ऐप से बाहर आ जाना है। अब आप जब भी को वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ लिखा हुआ है आप चाहते हो कि वो आपको पढ़ना न पड़े, तो सिंपली आपको उसे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है। आपके कॉपी करते ही आपके मोबाइल के कोने पे एक आइकॉन पॉपअप हो जाएगा, आपको बस उस पर टच कर देना है। यह ऐप आपका आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाएगा। किसी भी देश के पास नहीं है। रेलवे में अभी मालगाड़ियां WAG-7 और एक्सप्रेस ट्रेनें WAP-4 मॉडल के इंजन से दौड़ रही हैं। इन पुराने इलेक्ट्रिक तो दोस्तों ऐसे ही यह ऐप आपको व्हाट्सएप के मैसेज भी पढ़ के सुनाएगा। बस आपको सिंपली मैसेज को कॉपी करना है और जो कोने में पॉपअप आता है उस पर टच कर देना है। 50 GB ऑफ इंटरनेट डेटा विदाउट एनी रिचार्ज तारांकन। Get 50 GB of free internet data in any mobile network for 60 days. Get it now तारांकन। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहे। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।